सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित युवा प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार और बेरोजगारी में राजस्थान नंबर एक पर पहुंच चुका है, जो चिंता का विषय है। 10 लाख से ज्यादा अपराध यहीं पर हुए हैं। राजस्थान में साइबर क्राइम नंबर वन पर है और गैंग वार चरम पर है। 7500 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं मित्रों, कुल मिलाकर अपराध की घटनाएं और जो मुकदमे दर्ज हुए वो 2 लाख से ज्यादा पूरे राजस्थान में हुए हैं और 30,000 से ज्यादा तो दुष्कर्म की घटनाएं हैं। ये आंकड़े अपने आप में दिखाता है कि राजस्थान की स्थिति क्या, जहां आपराधिक मामले इतने दर्ज हो जाए, 30,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो, प्रतिदिन 17 बहन बेटियों के साथ इस तरह की दुराचार की घटनाएं सामने आए, क्या वो राजस्थान की सरकार को एक दिन भी और रहने का अधिकार है क्या? क्या उसको उखाड़ फेंकेंगे? क्या कांग्रेस की सरकार को उखाड़ेंगे?